टाइल्स प्रॉपर लगा रहे हैं, जो यहाँ पर मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिंग है, क्योंकि अभी अर्निंग नहीं है तो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। जितनी सुविधाएं हैं उनको सबको मेंटेन कर रहे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपरली हो, नल प्रॉपरली रहे हैं, नल देखें, नल निकल रहे हैं, और खासकर मर्चेंट रूम का जो है वहाँ की जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अभी ट्रेन्स के बारे में कुछ अब हम जो रिक्वेस्ट करें, नहीं हम लोग जो लोडिंग है, लोडिंग में प्रॉब्लम्स चल रही है तो उसको देखने के लिए कि प्रॉपरली लोडिंग हो जिससे कि अर्निंग बढ़े, रेट भी बढ़े, उसके लिए मैं देखने आया था कि क्या इशू है, और बाकी इन जनरल पैसेंजर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, देखने आया था। क्या कुछ डेवलपमेंट करने प्लानिंग है लोडिंग में? जैसा बताया गया कि 10 डिब्बे प्लेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोडर जहाँ पर जो जगह है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो उसके लिए वर्क के लिए हमने बोला है, तो उम्मीद करते हैं कि 10-12 दिन में वो वर्क चालू हो जाएगा, जिससे कि 10 जो 10 डिब्बे का रैक प्लेस, दो उसमें प्लेस होता है, एक ही बार प्लेस हो जाएगा, जिससे जल्दी अनलोडिंग लोडिंग हो जाएगी। अभी कितने डिब्बे एक बार जा रहे हैं अपने पास? करीबन 30 डिब्बे होते हैं ना एक बार में 30 डिब्बे हो रहे हैं, फिर उसके बाद 10 डिब्बे रह जा रहे हैं, तो 10 डिब्बे को वापस उसको फिर से डबल प्लेसिंग करनी पड़ती है, उसमें क्या हमारे ड्राइवर से हमारे ALP हमारे गार्ड लोग को डबल शिफ्ट करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। महीने को कितने एक्सपोर्ट महीने का है? 8 है, 7 लोडिंग।